नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। नींद हेल्थ के लिए बेहद ही जरूरी मानी जाती है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग नींद ना आने की शिकायत करने लगे हैं। कई लोग इस टेंशन की वजह से सो ही नहीं पाते, तो कई खराब रूटीन की वजह से स्लीपलेसनेस के शिकार हो जाते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं नींद ना आने के रीजंस, और साथ ही आपको देंगे कुछ बेहद ही ऐसे खास टिप्स जिनसे आप नींद ना आने की अगर आपको समस्या है तो उसे दूर कर सकते हैं। शुरू करते हैं ये खास सफर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अच्छी नींद का फॉर्मूला। तो कैसे लें आप अच्छी नींद, कौन से हैं वो खास टिप्स, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजनी दुग्गल। स्वागत है बहुत बहुत आपका शो में। नमस्कार। तो बात अब कर लेते हैं कि नींद दरअसल ना आना। रजनी जी, पहला सवाल तो यही है कि नींद आना जरूरी क्यों होता है, और अगर नींद नहीं आती तो क्या इसको एक बीमारी के तौर पर देखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात कि नींद आना बहुत जरूरी है। नींद की एक बहुत अहम जगह है हमारी लाइफ में। हमारे स्वस्थ रहने के पीछे नींद का एक बहुत बड़ा रोल है। नींद आना इसलिए जरूरी है क्योंकि नींद में ही आप एक्चुअली जो है दोबारा से अगले दिन के लिए पूरी तरह से तरोताजा और तैयार हो जाते हैं। पूरी एनर्जी के साथ अब अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं। नींद में आपके एक्चुअली जो ब्रेन के सेल्स जो बहुत ज्यादा थक जाते हैं वो दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं, और आप सारे के सारे चैलेंजेस जो आप लेना चाहते हैं उनको ले सकते हैं, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसके अलावा केवल नींद में ही आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी जो जीवनी शक्ति है वो दोबारा से स्ट्रांग हो जाती है, तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी लंबे समय तक नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि बीमारियों से, जर्म से, वायरसेस से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और आपको ज्यादा बीमारियां सताती हैं। इसके अलावा नींद में आपके जितने भी जो सेल्स हैं बॉडी के जो वेयर एंड टेयर हो जाते हैं यानी कि रिपेयर हो जाता है, नींद एक ऐसा काम करती है जैसे आपकी पूरी बॉडी को दोबारा से नया बना कर, रिजुविनेट करके, आपको एनर्जाइज करके एक नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार करती है, और जितने भी आपके ब्रोकन सेल्स हैं रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं ताकि आपके अंदर पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो नॉर्मल हो जाए। और इसके अलावा जो हीलिंग है आपकी, जो जितनी भी हीलिंग है 50-70% हीलिंग हमारी नींद के दौरान होती है, तो नींद एक बहुत ही अहम और जरूरी हिस्सा है जीवन का। जी, यानी कि कुल मिलाकर आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिफ्रेश करती है नींद, और अगर यही ठीक से नहीं आ पाए तो आपकी लाइफस्टाइल जो है, बदलते लाइफस्टाइल की वजह से, नींद की वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे सफर करने लग जाती है। अपने दर्शकों को हम बता दें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है आपका, किसी तरह की परेशानी है आपकी, तो आप इन नंबर्स पर हमसे संपर्क करें 0120251063, और दूसरा नंबर जो है वो टोल फ्री है 1800180-1525। तो ये तो हमने जान लिया कि दरअसल नींद आपकी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब यही प्रॉब्लम जुड़ जाए आपके साथ इस तरह से कि आपको ये आने ही बंद हो जाए, यानी कि आपको नींद नहीं आती है, रजनी जी, क्या कारण हो सकते हैं इसके? क्या इसको हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से एक रीजन माने, बीमारी के तौर पर देखें, हेरिडिटी माने, क्या इसका जो है वजह देखी जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है इस चीज को पहचानना कि नींद आ क्यों नहीं रही है। अक्सर लोगों को नींद नहीं आती है, वो नींद की गोली खा लेते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया। काम बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब आप नींद की गोली खाकर सो रहे हैं तो आपकी बॉडी में थकान खत्म नहीं होती है। एक्चुअली थकान तभी खत्म होगी जब आप एक भरपूर नींद से जागते हैं, और नींद ना आने के कारणों को जरूर पहचाने। सबसे बड़ा कारण बदलता हुआ लाइफस्टाइल। कई बार हम अपने जो पूरे दिन के काम को पूरा ना कर पाने की वजह से भी रात को देर रात तक जाकर काम पूरा करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, माने दिमाग ज्यादा चलता है, जिस वजह से वो थॉट्स दिमाग से नहीं निकलते हैं। और जब दिमाग ओवर एक्टिवेटेड होता है यानी कि ज्यादा चलता हुआ दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता, तो हमारे नींद का समय निकल जाता है। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है यानी कि हमारे सोने और जागने की जो घड़ी है वो निर्धारित होती है नेचुरली।
प्राकृतिक रूप से जब हम जो हमारी निर्धारित घड़ी है उसको बार बार अगर तोड़ेंगे किसी भी वजह से, जैसे देर रात तक टीवी देख रहे हैं या देर रात तक मोबाइल पर बात कर रहे हैं या इंटरनेट की हमें आदत लग चुकी है किसी भी कारणवश, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नाइट को पार्टीज जा रहे हैं, या आपका कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आपकी जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जो आपकी प्राकृतिक घड़ी सोने और जागने की, जब वो हिल जाती है तो आपको इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस का डिसऑर्डर हो सकता है और ये एक बीमारी का रूप ले सकता है। तो जरूरी है आप इन चीजों को जरूर पहचानें। इसके अलावा रात को अगर आप जैसे कुछ ऐसे ड्रिंक्स ले लेते हैं जिनमें कैफीन है, जैसे चाय है, कॉफी है या सिगरेट है, इस तरह की चीजों को लेने से भी आपको इंसोम्निया की बीमारी हो सकती है। एक बहुत बड़ा कारण जो नींद ना आने का है वो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दवाइयां जो हम रेगुलर ले रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, या इनसे रिलेटेड कोई मेडिसिन हम कई बार ले रहे होते हैं, उस वजह से भी नींद ना आने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी यानी कि ऐसे मिनरल्स जो बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है, बहुत सारे ऐसे जरूरी मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में होने चाहिए और किसी वजह से वो कम हो जाते हैं, वो भी नींद ना आने का एक बहुत बड़ा कारण है। और लास्ट में मैं बोलूंगी कि आपकी डाइट यानी कि अगर आप बहुत गरिष्ठ भोजन रात को लेते हैं जिसमें बहुत हाई एनर्जी रहती है, जैसे बहुत ज्यादा भारी खाना अगर आप रात को लेते हैं उस वजह से भी आपको नींद नहीं आती, तो इन चीजों का ध्यान रखकर हम अपनी नींद से संबंधित बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वजह हुई जिनसे हमने समझा कि ना सिर्फ आपका हेक्टिक लाइफस्टाइल बल्कि आपके जीवन में बढ़ता स्ट्रेस और कहीं ना कहीं अगर आप मेडिकेशन पर हैं तो ये तमाम वजह होती हैं आपके जीवन में अगर आपको नींद की प्रॉब्लम बढ़ रही है उसके पीछे की। लेकिन अब इसको दूर कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। एक कॉलर है हेमंत हमारे साथ फोन लाइन पर। हेमंत बताएं क्या प्रश्न है आपका। हेलो, बताएं हेमंत, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैडम ये रात को जब उठते हैं तो एकदम नींद गायब हो जाती है, फिर दोबारा नींद नहीं आती मैम। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको रात को अचानक नींद खुल जाती है और दोबारा से नींद नहीं आती है तो उसके कारण को जरूर पहचाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार पूरे दिन में हम जो है अपना इतना अधिक श्रम कर लेते हैं कि जो आपको अचानक नींद आती है वो थकान की वजह से तो आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि नींद खुलने के बाद दोबारा से वही विचार आपके मन में शुरू हो जाते हैं। कोशिश कीजिए सोने से पहले आप पूरे दिन भर का काम किसी पेपर पर लिखकर रख दीजिए कि कल सुबह मैं यहां से शुरू करूंगा, क्योंकि अक्सर हम दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हैं कि सुबह मुझे ये करना है और दोबारा से वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले डिसाइड करके सोइए कि हमने क्या क्या काम कहां तक छोड़ा, उसको लिख दीजिए एक टेबल पर और एक पेपर पर लिखकर टेबल पर रख दीजिए और सो जाइए, क्योंकि वो ही आपको दोबारा से जगा देता है। कई बार क्या होता है कि पेट में एसिडिटी की वजह से या दिमाग में तनाव की वजह से अगर आपकी नींद खुल जाती है, उस केस में आप पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी पीजिए, कुछ फ्रूट खाइए, थोड़ा सा टहलें और दोबारा से सोने की कोशिश करें। एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूं कि आप एक छोटा टॉवल ले लीजिए, उसको ठंडे पानी में भिगोकर आप गर्दन के पीछे यानी कि जहां बाल खत्म होते हैं गर्दन के नीचे रखकर अगर आप सोने की कोशिश करेंगे उससे आप के दिमाग में थोड़ी ठंडक आएगी और आपकी नींद जल्दी आएगी। जी, एक और दर्शक है इस बीच, अजहर है फोन लाइन पर। अजहर बताएं क्या सवाल है आपका। अजहर अगर आवाज मिल रही है तो अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये मेरे जो है तो शाम को जब मैं सोता हूँ रात को तो उसमें मुझे जो है तो बार बार मैं किसी जो बात जिस बात का कोई महत्व नहीं उसे सोचता रहता हूँ बार बार मैं। हाँ जी, सोचते मुझे नींद नहीं आ पाती है। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि जो नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे दिमाग में लगातार कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं और उन विचारों के कारण हमें नींद नहीं आती है। सबसे पहले नींद आने से पहले यानी सोने से पहले आप अपने पांव को गर्म पानी में डिप करें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें, इससे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आप तो एक टॉवल को गीला करके गर्दन के नीचे रखकर सोएं, उसको रोल कर लीजिए ताकि वो बिल्कुल गर्दन को छुए,
आगे की तरफ गर्दन नहीं पीछे की तरफ गर्दन को छूते हुए अगर आप वो टॉवल रख के सोएंगे आपके दिमाग में थोड़ी ठंडक रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी टॉवल का इस्तेमाल या इसी तरह के दूसरे टॉवल का इस्तेमाल आप अपने भौहों के ऊपर यानी कि माथे के ऊपर रखकर सोएंगे, उससे भी आपके दिमाग में रिलैक्सेशन होगी। गर्म पानी में पांव डिप करने से क्या होता है कि आपके जो दिमाग में इतना तेज ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि खून का जो तेज दौरा है बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या टेंशन में है वो नीचे की तरफ चलने लग जाता है और दिमाग रिलैक्स हो जाता है। सोने से पहले लगभग 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले आप खाना खा लीजिए बिकॉज उससे आप सोते टाइम थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। थोड़ा सा टहलें, वॉक करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ टहलने की बात हो रही है। तो इस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस लेकिन कंसिस्टेंट और रेगुलर चेंजेस, जैसे कि सोने का टाइम निर्धारित करना कि अगर हमें 11 बजे सोना है तो 11 बजे सोने की कोशिश करना लगातार हर दिन, तब जाकर आप अपनी इस बीमारी को दूर कर पाएंगे। जी, और रश्मि एक सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग जिन्हें नींद नहीं आ पाती है वो नींद की गोलियों की आदत हो जाती है, ये कितना सही रहता है? देखिए, जो नींद की गोली की आदत है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे इफेक्ट डालती है आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर, तो नींद की गोली तो इसका बिल्कुल भी हल नहीं है। इसके बजाय आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अगर सोने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आप एक समय फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस समय बेड पर जाना है, सोना है। सोने के लिए जो माहौल है वो बहुत कम्फर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। सोने से पहले कुछ ही हल्की फुल्की बातें जरूर कीजिए लेकिन किसी बहुत बड़ी टेंशन का या स्ट्रेस का डिस्कशन उस टाइम ना शुरू करें, नहीं तो आपके दिमाग में उसके आंसर्स चलते रहेंगे पूरी रात और आप सो नहीं पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों में देखा जाता है कि रात को आप अगर गर्म दूध लेते हैं उसमें थोड़ी सी हनी डालकर लेते हैं उससे भी नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि नींद आने के लिए हमारे जो केमिकल्स हमारे दिमाग को चाहिए होते हैं वो दूध में होते हैं। तो गर्म दूध जैसे भी आपको सूट करे, आप मैंगो शेक ले सकते हैं, आप दूध में हनी ले सकते हैं, आप सिंपल वार्म मिल्क ले सकते हैं, ये सब चीजें जो है आपको रात को रिलैक्स करती हैं। इसके अलावा सोने से पहले अगर आप शवासन में जाएं, योगासन बहुत आपको हेल्प करेगा, तो शवासन में जा सकते हैं, मकरासन में जा सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा योगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस जो सेहत को बचाने के लिए और नींद नामक ये जो बीमारी है, ना नींद आने की जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए। जी, और भी बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप इन खास टिप्स के जरिए इसे सही कर सकते हैं। रश्मि जी, क्या ये जो प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं हेरिडिटी से भी जुड़ी होती है? और अक्सर हमने सुना है, क्या ये वाकई सच है कि लोग नींद में चल रहे हैं, ये भी किसी तरह की बीमारी होती है? देखिए, नींद में चलना ऑफकोर्स उसको नींद ना आने के साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वो एक अलग चीज है। नींद ना आना अपने आप में एक अलग चीज है और वो जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो हाइपर एक्टिविटी जो हमारे ब्रेन की है वो हमारे शरीर तक पहुंच जाती है, यानी कि दिमाग चल रहा है, पूरी रात काम कर रहा है और उसने शरीर को भी ऑर्डर्स दे दी कि हाँ अब मुझे काम करना है। तो ऐसे अक्सर ये एक अलग लेवल की बीमारी में जरूर तब्दील हो सकती है, लेकिन आमतौर से नींद ना आना उसके लिए ये सारे उपाय बहुत काम करेंगे जिसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक और है फोन लाइन पर हरदोई से। जी बताएं, क्या नाम है आपका और अपना सवाल कर सकते हैं आप। संगीता है हमारे साथ फोन लाइन पर, बताएं संगीता क्या सवाल है आपका। लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रजनी जी, जिस तरह से आप बता रही थी कि ना सिर्फ बदलता लाइफस्टाइल इसकी प्रॉब्लम वजह होती है बल्कि स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इसकी वजह होता है, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आजकल बहुत कम उम्र में भी इस तरह के केसेस अक्सर देखने को मिलते हैं? देखिए, बहुत कम उम्र में आजकल नींद ना आने की बीमारी हो चुकी है क्योंकि आजकल हम अपने शरीर से बहुत ज्यादा श्रम करवाते हैं। जैसे श्रम और विश्राम का एक बहुत बड़ा चौली दामन का साथ है, आप श्रम तभी कर पाएंगे जब आप विश्राम कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है जो हम सोचते हैं कि बड़ी एज में यह प्रॉब्लम आ रही है, उसका कारण ये होता है कि वो लोग दिन में सो पाते हैं। जैसे अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे सो जाएंगे इस वजह से रात को नींद ना आए तो बात अलग है, लेकिन जो छोटी एज में यह प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा कारण है तनाव, जिसको आप बोलेंगे स्ट्रेस, और दूसरा हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी
अनहेल्दी डाइट और लगातार आप अपने शरीर रूपी यंत्र को जब ओवर यूज करते हैं उस वजह से भी नींद ना आने की बीमारी होने लग जाती है। तो दोनों एजेस में कारण बिल्कुल अलग है और उसको जैसे जैसे कारण है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका हल निकालना है। जैसे कि अगर बड़ी एज में आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उस वजह से नींद नहीं आ रही है, या मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम है, या कई केसेस में बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी बीमारी के चलते हुए उन मेडिसिन्स को जरूर जाने और उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए तो नींद की बीमारी से आप दूर रह पाएंगे। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे अक्सर हमें दो चार होना पड़ता है जो आपके बदलते लाइफस्टाइल में कई बार शामिल हो जाती है, नींद ना आना। और इसी प्रॉब्लम के साथ जुड़ी होती है आपकी और भी कई सी समस्याएं, आपकी सेहत खराब हो सकती है इससे। और हम जान रहे हैं नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो उसके लिए अच्छी नींद कैसे आए, अच्छी नींद के क्या खास टिप्स हो सकते हैं। डॉक्टर रजनी दुग्गल हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में, बता रहे हैं हमें तमाम वो खास टिप्स। रजनी जी, आपने हमें बताया कि नींद आना कितना जरूरी है, साथ ही साथ नींद ना आने के कारण क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे उन टिप्स की जिनसे अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ दर्शक भी जिस तरह से लगातार जुड़ रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं फिर बात करेंगे नींद आने की टिप्स की। एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, जी बताएं अपना नाम और आप फिर अपना सवाल कर सकते हैं। डीएस वाजपेयी हैं फोन लाइन पर, नोएडा से हैं अगले कॉलर अजीत फोन लाइन पर, बताएं क्या प्रश्न है आपका। अजीत अगर आवाज मिल रही है अपना सवाल कर सकते हैं आप, लगता है इनसे भी संपर्क टूट गया है। और रजनी जी अब बात कर लेते हैं हम अपने दर्शकों को, वो टिप्स दे देते हैं अगर उन्हें ये प्रॉब्लम है तो उसे कैसे दूर करें। बिल्कुल, आइए हम जानते हैं कि नींद लाने के लिए क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिनको हम अगर इस्तेमाल करें, आप इनमें से जो भी उपाय लागू कर सकें उनको जरूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप अपने सोने और जागने का जो चक्र है उसको जरूर नियमित करें, यानी कि आप डिसाइड करें कि आपको सोना किस टाइम है और उठना किस टाइम है। हालांकि शुरू शुरू में यह थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने सोने और जागने का टाइम डिसाइड जरूर कीजिए। एक आम इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। यदि आप रात में 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये नींद जो है अपने वीकेंड पर जरूर पूरी कीजिए, या आफ्टरनून में एक शॉर्ट नैप ले सकती हैं। लेकिन अगर आप दिन में ज्यादा समय तक सो जाएंगे उस कारण से भी हो सकता है कि आपको जो नींद है वो रात को ना आए। तो बहुत जरूरी है कि हम डिसाइड करें हमने कब और कितना सोना है। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए अलग अलग होता है कि उसको 6 घंटे चाहिए, 7 घंटे चाहिए या 8 घंटे चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि सोते समय आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप अपनी सारा स्ट्रेस जो है एक तरफ रख के सोएं। कोशिश कीजिए कि हाँ अब इस बारे में मैं सुबह सोचूंगा, इस बारे में हम सुबह डिसाइड करेंगे, और डिसाइड कर लीजिए कि हाँ अब इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं देंगे तो सो नहीं पाएंगे। तीसरा, आप सोने से पहले आप अपने पांव को गर्म पानी में डिप करें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक डालकर गर्म पानी में डिप करने से आपके जो पैर हैं वो रिलैक्स होंगे, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, और नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह यानी कि सिर में बहुत ज्यादा तेजी से चलता हुआ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैर की तरफ आने लग जाएगा, और आप देखेंगे कि इस वजह से आप थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स करना एक मानसिक स्थिति है। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले अपने पांव को गरम तेल से मालिश कीजिए। पांव के नीचे जब हम गरम तेल से मालिश करते हैं उससे भी हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और उससे भी हम जो है नींद जल्दी अपने आप को इंड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप नींद के बारे में सोचे नहीं, कुछ हल्का फुल्का सोचें, कुछ हल्की फुल्की म्यूजिक सुन सकते हैं या इस तरह की बातों में डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके मन को अच्छा लग रहा हो। दूसरी बात, सोने से पहले चाय, कॉफी, सिगरेट इस तरह की चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये नींद भगाने के लिए होती है। इसके अलावा आप रात को मोबाइल, टीवी, इंटरनेट या इस तरह की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपको बहुत देर तक रात को इस तरह की कोई काम करने की आदत है आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, इस वजह से आपको नींद नहीं आएगी। तो इसको निर्धारित कर लीजिए कि 11 बजे के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। अब आइए देखें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या किस तरह से अपनी आपकी हेल्प कर सकते हैं नींद लाने में। मान लीजिए आपने भारी खाना खा लिया है और इस वजह से आपको पेट में भारीपन लग रहा है और नींद नहीं आ रही है, तो आप एक
पानी का तौलिया अपने पेट के हिस्से पर रखकर और उसको 20 से 30 मिनट तक लगाएं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है और जो इनडाइजेशन की वजह से नींद नहीं आ रही है वो नींद आपको आने लगेगी। नींद का एक कारण और है कि जैसे दिमाग में बहुत तनाव है तो जैसे हमने बताया कि आप ठंडी पट्टी को रोल करके एक छोटे टॉवल को रोल कर लीजिए पानी में डिप करके और उसको गर्दन के नीचे लगाएं और चाहे तो आप अपने ललाट पर यानी कि फोरहेड पर भी लगा सकते हैं, इससे भी आप नींद को इंड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर ये नींद की वजह बहुत क्रॉनिक है यानी कि बहुत मेडिसिन की वजह से है या आपको नींद की गोली की लत लग चुकी है इस वजह से आपको नींद डिसऑर्डर्स है तो धीरे धीरे करके आप इस कोशिश कीजिए कि नींद की गोली नहीं खाना, इन सब चीजों को फॉलो करें, रात को दूध पीने की आदत डालें अगर आपको नींद नहीं आती है। अपनी डाइट में कोशिश कीजिए फ्रेश फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स और सब्जियां और सलाद इन चीजों को जरूर लें क्योंकि B12 या विटामिन सी इस तरह के सारे फल जिनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। भीगे हुए मेवे ले सकते हैं, खासतौर से भीगे हुए बादाम आपके लिए बहुत अच्छे हैं वो ले सकते हैं, भीगा हुआ किशमिश ले सकते हैं क्योंकि मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से अगर नींद नहीं आ रही है तो ये एक लत बन चुकी है और इसके लिए डाइट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने डाइट में एसिडिक फूड्स खासतौर पर जैसे दाल रोटी और तले हुए पदार्थ रात को कम खाएं, इसके बजाय सब्जी चोकर वाले आटे की रोटी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल जरूर करें, सलाद जरूर अपने डाइट में लीजिए तो जो लॉन्ग टर्म से आपकी एक बीमारी चल रही है नींद ना आने की उसको आप जरूर हेल्प कर पाएंगे। लास्ट में आपने योगा जरूर करना है, सोते टाइम शवासन सबसे अच्छा योगा है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठ सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मकर आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम आपको धीरे धीरे रिलैक्स करने की टेक्निक सिखाता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करनी है अच्छी नींद पाने के लिए। जी, तो यानी कि लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएं आप, एक्सरसाइज करें, कुछ चीजों को अवॉइड करें, अपनी डाइट को सही रखें। तमाम सिंपल और इजी टिप्स से आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। डॉक्टर रजनी, आपने ये तमाम हमें जानकारी दी, ये खास टिप्स दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और लाइफस्टाइल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।